नमस्कार दोस्तों, आज 22 नवंबर 2023 दिन बुधवार। दोस्तों चलिए जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, आज के क्या क्या रेट हैं। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास। ये लहसुन आया, इसको खात मत सोचना, कूड़ा मत सोचना, लहसुन है जी, ये भी लहसुन है और दूसरे वाले भी लहसुन है। चलिए जान लेंगे आज की क्या कुछ रिपोर्ट है जी, कहाँ कहाँ के माल आए, आज की क्या स्थिति है जी। देखने में आपको ये देखो, ये कोई ऐसा लग रहा होगा कोई कूड़े की डेरी पड़ी बाहर कहीं पर ये इस समय जी बड़ी बेशकीमती चीज़ है जी, इसको कूड़ा मत समझना। सर जी नमस्कार जी। राम राम राणा जी। देखो जी क्या चीज़ है। देखो जी, जिसको आप कह रहे हो कूड़ा नहीं समझना, वाकई में ये माल डैमेज हो चुका है। अच्छा जी, लेकिन इस टाइम इसकी भी कीमत है। अच्छा जी, मतलब ये श्रीनगर के माल है। अच्छा श्रीनगर है, ये श्रीनगर है जो लोगों ने 40 रुपए से लेके 60 रुपए में बेच दिया था। हाँ जी, ये वो माल है। अच्छा जी। जिसका अब ये वाला डैमेज माल। हाँ जी, अभी इसके बढ़िया माल भी दिखाऊंगा। हाँ जी, ये छटा हुआ माल है, एकदम डैमेज माल है। अच्छा जी, ये माल भी क्या है 120 रुपए। 120 रुपए। हाँ जी, कचरा ये वाला माल है। हाँ जी, अच्छा जी। अब इससे इसकी बढ़िया क्वालिटी। हाँ जी, अब ये जो दिखाने का मकसद है। हाँ जी, कि आप ये देखिए कि कितना बड़ा फर्क होता है। हाँ जी, एक मिनट इंटरव्यू दे दूं आपको, कहता हूँ कल। अब देखिए इसमें। हाँ जी, उससे ये बढ़िया क्वालिटी है। हाँ जी, ठीक है जी। तो ये भी कूड़ा ही सारा जी। हाँ हाँ, लेकिन उससे बढ़िया ना भाई साहब, वो तो एकदम कचड़ा, उससे बढ़िया। देखो तो इसको भी कोई एक बार हिल जाएगा कि ये किला सुन बेच रहे, अब क्या चीज हिल गया। अच्छा, हिला हुआ है। अच्छा, हर तरह का हल्का माल है। हाँ जी, तो ये भी का 130 रुपए। ये 130 रुपए। हाँ, अच्छा जी। और उसके बाद आपको ले जाता हूँ इसका बढ़िया माल। अच्छा जी, अब ये वाला भैया 180। ये है इसका बढ़िया माल, ये वाला जी जो हम 180 रुपए चला रहे। अच्छा, ये मटमैले क्यों है जी, है सारे श्रीनगर का माल है ना भाई साहब। अच्छा जी, ये लोग दिक्कत क्या आती है, ये लोग इसको कच्चे में गीले में ही हाँ जी बेचने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, अब आप देखो कहाँ तो 40 हाँ जी 50-60 रुपए किलो। हाँ जी, कहाँ ये भाव। हर बार ऐसा नहीं होता, लेकिन हर बार इनसे कटिंग होती है इनकी। अच्छा जी, श्रीनगर वालों की हर बार कटिंग होती है। क्यों? हाँ जी, ये गीला ही बेच देते हैं। अच्छा जी, अब ये गीले में इन्होंने सुखाने की भी कोशिश नहीं की। हाँ जी, और जब बेचा हाँ जी सियाणे ले गए और ले जाके इसको स्टॉक कर दिया। अच्छा जी, और वो कुछ नहीं किया है, इसको सुखा के ऐसे ही रख दिया था, उसमें से हल्के हल्के निकाल दिए। अच्छा, तो कचड़ा भी 120 रुपए बिका। ये बताओ जी, ताकत इसमें भी भरपूर है जी। नहीं यार, अपना हिंदुस्तान का माल है। नहीं है तो बिल्कुल, एक तो जैसे देसी है, हिमाचल है, सेम वही चीज है। वही चीज है, एकदम टनाटन माल है। इसी लहसुन का हिमाचल का बीज बनता है। हाँ, हिमाचल में इसी का बीज जाता है जी। अच्छा, हिमाचल वाले इसी को लेते हैं बीज में। हाँ, अच्छा जी, ठीक है जी। तो ऐसे वाले माल की क्या पोजीशन जी है? ये 180 बोल रहे, 70-80 चलेंगे। अच्छा जी, अच्छा। और ये इसका ये क्या बताया जी आपने, ये वाला, ये यही तो माल है, यही तो बनता मैंने। अच्छा जी, अच्छा। किसी भी श्रीनगर वाले में माल पड़ा हो तो उनके माल यहाँ पे अब दिल्ली में 150 से 200 रुपए की पोजीशन समझ के चले। 150 से 200 रुपए की, बढ़िया अच्छे माल श्रीनगर। अच्छा जी, और हिमाचल के नीचे में 200 ऊपर में 250-350 तक हो गए। बोले बोले, हिमाचल का बहुत बढ़िया माल था, कल हमने 278 रुपए का बेचा, आपके जाने के बाद 18-19 कट्टे आए थे। अच्छा जी, 8 लोड से। अच्छा जी, तो 278 रुपए का बिका था कल जी। अच्छा जी, आप चले गए थे, नहीं तो शक्ल दिखाता। हाँ जी, हाँ जी, लसन की इतनी बढ़िया शक्ल थी कि पूछो नहीं। और ये होनोलुलु क्या करा, ये होनोलुलु तो जी आज 200 हो गया, ये 200 हो गया। और परसों क्या था जी होनोलुलु? अब देखो लसन का सुनते होनोलुलु किसके, सबके चेहरों पे हंसी, तो नाम ऐसा हो जो लोग हंसे। अच्छा जी, तो इसका ये परसों तक जब आया था उस दिन 180 था। अच्छा जी, नहीं उससे पहले 170-180, आज 200। अच्छा जी, अच्छा जी। तो आज की जो बात करें और लहसुनों की जी, औरों में ठीक है जी, सब स्टैंड है, बिक्री ठीक है, बिक्री चल रही है। अच्छा जी, और स्टैंड है मार्केट, कहीं अच्छा भी डाउन नहीं है। अच्छा जी, पीछे अगर आपके आती है डाउन होता है तो लेना बनता है। अच्छा जी, बेचना नहीं बनता। अच्छा जी, अगर अपने को लगता है आपको का प्रेशर है। हाँ जी, और मार्केट 10-20 से टूट रही है तो लीजिए। अच्छा जी, उस टाइम लेना बनता है, क्योंकि अभी मार्केट अभी भी एक महीना पूरा पक्का, जैसे लहसुन कहीं दूर दूर तक नहीं आएगा। हाँ जी, महीना सवा महीना तो पक्का है। ठीक है जी, अगर बारिश बीच में 15 जनवरी या 10 जनवरी तक बारिश नहीं आ, हाँ जी, बारिश आ जाती तो और लेट हो जाएगा। अच्छा जी, नहीं आती तो फिर बारिश तो आएगी जी, बारिश तो आएगी, नेचर है जी, किसी भी टाइम क्या हो जाए। अच्छा जी, अच्छा।
ये किस रेंज का जी? ये सब वही सब 170-180 की रेंज हो गई जी। तो आज मार्केट में जो व्यापारी हैं आपके, आज कितने पीछे से कितने का आदेश दिया बढ़ाने का? उन्होंने रोक ही दिया। अब जैसे इसने बोला वाले ने बोल दिया 220 से कम नहीं बेचना जी, बिके या ना बिके। अच्छा जी। साई 190 से कम नहीं बेचना, बिके या ना बिके। अच्छा जी। अच्छा। नूरी तो बिक गया था उसका कल। अच्छा जी। आज वो भी 70 रुपए बोल रखा। अच्छा जी। अच्छा। बड़े मियाँ 2 रुपए के लिए नहीं बोलो आप, समझो व्यापारी पीछे 60 रुपए बोल रहे हैं, कम नहीं बेच रहे, ये तो आपकी रिस्पेक्ट की है। 50 रुपए नहीं बोलो, 2 रुपए फिर छुड़वा लेना। इस रेट में 2 रुपए की क्या वैल्यू है? नुकसान हो तो मैं बैठा हूँ। अरे 6 गड्ढे तोल दे भाई। ठीक है जी। तो कहाँ तक की अड़चने आ रही है अभी? बस चल रहा, बिक्री चलने लग गई, ग्राहक पकड़ रहे इस भाव में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है और ना कोई घबराने की बात है। अब लोग क्या हो रहा है, जैसे 10-20 रुपए टूटे, हाँ जी, टूटेंगे घबरा जाएंगे। अच्छा जी। बेचो बेचो क्या हो जाएगा वो? हाँ जी। तो भाई साहब अब अगर 20-30 रुपए टूटता है तो इसमें स्थिर होके बैठ जाइए। जिसने आगे के लिए धंधा करना है तो खरीदे। अच्छा जी। और जिसने बेचना है तो फिर अब ना बेचे, रुक के बेचे। अच्छा जी। अच्छा। तो यानी पीछे से पूरा आपको प्रेशर है कि कम में नहीं बेचना। हाँ। और बढ़ा के हर रोज बढ़ते जा रहे जी। बस रोज बढ़ रहे जी। अच्छा जी। रोज ही रोक रहे। अब मुनीश भाई का जैसे माल आया था 130 रुपए का मांग रहे थे। अच्छा जी। है ना मुनीश भाई? और दूसरा वाला 50-45 मांग रहे थे, हम 60-65। अब वो इनका 70-75 बिकेगा माल। अच्छा जी। यानी तो खुद ही 80 बोल रहे हैं। अब यहाँ पड़े पड़े ने भी माल रोक के भी कमाए। अच्छा। एक हफ्ते की बात है, हफ्ता ही हुआ। अच्छा जी। फिर जो घबराने वाले थे जी, जिनको वो हार्ट अटैक आने वाला हो रहा था जी, पीछे भी ये हो गया वो गया, अब तो उनके लिए फ्री होने का टाइम है जी। वैसे ये जो टेंशनों में आए थे रात को 12-1 बजे फोन कर रहे थे जी, मैं तो टेंशन में हूँ। अच्छा जी। वो तो बेच बैठे होंगे। ठीक है जी। मजे की बात क्या होती है, जब टेंशन होती है तब तो खुराना जी याद आ जाते हैं, और जब बेच लेते हैं कोई राम 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 रमैया ही नहीं है। अच्छा। फिर अगले साल खुराना जी याद आएंगे। ठीक है जी। तो पता ही नहीं होता उस बंदे ने बेचा कि नहीं बेचा। अच्छा। ना सर इतना समय कि इतने हजारों नंबर में सेव कर सको। ठीक है जी। उनसे पूछूं भाई बेच लिया कि नहीं बेच लिया, जो कुछ लगाव रखते हैं वो टच में रहते हैं। चलिए जी, धन्यवाद सर जी। यानी बस घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। आज भी कम से कम 4-5 हज़ार कट्टा बिक जाएगा जी आराम से। अच्छा। 3-4 हज़ार कट्टे की तो सेल पक्की हो चुकी भाई साहब। अच्छा। 4 हज़ार इकट्ठा तो जब हम कहेंगे सेल नहीं है तो भी बिके। अच्छा जी। और जब हम कहेंगे सेल है तो 5,000-6,000-7,000 तक जा सकते। अच्छा जी। तो अभी भी 4-5 हज़ार इकट्ठा तो आज भी बिकेगा, कोई टेंशन नहीं। ठीक है। इतनी तो बिक्री है ही है ना। चलिए जी, इनको दे पीछे से आपको इशारे कर रहे जी कभी के माल के इंतजार में खड़े। धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत। दोस्तों भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये कॉन्टेक्ट नंबर, इनका 12 महीने स्पेशल दोस्तों लहसुन का ही काम है। किसी की भी